मैं वापस से वो बचपन नहीं जीना चाहती हूँ क्योंकि जब वो मुझे बुली करते थे ना उन्हें मज़ा आ रहा होता था पर मुझे नहीं आ रहा होता था मैंने बोला मुझे सिंगर बनना है मैं ना सिंगर बनूंगी तो उन्होंने मुझे इस तरह से देखा कि जैसे मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे चोर बनना है उन्होंने इसे हाथ जोड़ रखे थे और उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची को रहने दो उसका साल बर्बाद हो जाएगा अगर आपने उसको इस टाइम पे निकाल दिया उन्होंने मुझे बोला कि तुझे मुझे पता है कि तुझमें पोटेंशियल है तू स्टेज पर जाएगी तू मंच करेगी उन्होंने मुझे सत्ताईस बार मंच दिया और मैं सत्ताईस बार अवार्ड लेकर आई खमा गणी मेरा नाम जिगीसा जोशी है और आप मने मेवाड़ी बाईरा नामो जानो हो मुण अणी गौरवशाली देश भारत रा एक वीर भूमि जो जने केवे है राजस्थान वणि में एक नानियोक्सो नगर है जनों नाम है श्रीनादवारा और मु वटाऊ आई हूँ मु नादवारा री हूँ और आप सबरी बेटी हूँ आप मने मेवाड़ी बाईरा नामो जानो हो और मारो काम है मेवाड़ी में आपने हसाणो और अटे जतरा भी लोग मने हूं रह है मु जानूँ हूँ कि सबने राजस्थान ही नहीं आवे है तो अबे अगली जो कथा है हमारी वो मैं अबे हिंदी में आपने बताऊंगा और मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो चाहती थी कि हम क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं तो वो चाहती थी कि हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ें और हम आ, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें हम बहुत ही आगे बढ़ें तो आ, उन्होंने मुझे टॉप इंग्लिश स्कूल के अंदर डाला था तो वहाँ के जो बच्चे थे वो काफ़ी अंग्रेज़ी में बात किया करते थे लेकिन मुझे वो बहुत ही कम आ पाती थी और जब मैं हिंदी के अंदर मेवाड़ी शब्दों को मिक्स करके जब हिंदी बोला करती थी तो वो उन्हें बहुत अजीब लगता था क्योंकि मेरा वेट बहुत कम था और मैं जब बोलने में भी मेवाड़ी भाषा का इस्तेमाल ज्यादा किया करती थी तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे उन बिज़नेस पर्सनस के बीच में मैं अकेली ऐसी बच्ची बच गई थी जो कि जो उनकी जो खूबसूरती का जो एलिजिबिलिटी जो होती है ना उनकी वो उस पर मैं नहीं पहुंच पा रही थी तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने मेरा नाम लिख दिया था नाम रख दिया था क्योंकि बच्चों को बहुत शौक़ होता है ना ऐसे एक दूसरे का मजाक उड़ाना और जैसे मेरे भी सारे दोस्त अगर बात करते हैं ना कि मैंने स्कूल में ये किया था मैंने स्कूल में वो किया था मेरे पास बताने के लिए कुछ ऐसा खास नहीं होता क्योंकि मुझे सिर्फ डर लगा रहता है कि मैं वापस से वो बचपन नहीं जीना चाहती हूँ क्योंकि जब वो मुझे बुली करते थे ना उन्हें मज़ा आ रहा होता था पर मुझे नहीं आ रहा होता था मैं मैं बहुत अजीब सा फ़ील किया करती थी उस वक्त और उन्होंने मेरा नाम रखा फिर कि मेरे फेशियल हेयर्स भी बहुत ज़्यादा थे मेरे बॉयकट बाल रखती थी मम्मी तो मैं छोटा सा लड़का ही लगा करती थी तो तब उन्होंने मेरा नाम रख दिया था कि तुम मुच्छड़ हो तुम हड्डियों का ढांचा हो इस तरह से तो मैं लेयर्स पे लेयर्स कपड़े पहना करती थी तब कि मैं ना उनके बीच में मैं एक्सेप्ट होना चाहती थी मैं भी चाहती थी कि मैं फ़र्स्ट आऊँ लेकिन मुझे पता था कि मैं पढ़ाई में बुक्स मेरे लिए मैं बुक्स के लिए हूँ ही नहीं मैं पढ़ाई कितनी भी कर लूँ मुझसे नहीं हो पा रही थी तो तो एट क्लास की बात है मैंने आ, मैंने उसमें पांचों सब्जेक्ट के अंदर मैंने फेल किया तो हाँ मैंने फेल किया और जब मेरी मम्मी का इतना ज़्यादा जो पेमेंट है वो सारा फीस के अंदर जा रहा है मम्मी बीस हज़ार कमा रही है तो दस हज़ार मेरे और मेरे भाई की फ़ीस के अंदर लगा रही है तो उनसे मैं ये नहीं जाके बोल सकती थी कि मम्मी फेल हो गई और मेरी मम्मी को ये था कि चाहती थी वो कि हमारे बच्चे आगे बढ़े क्योंकि उनके स्टाफ की जितनी भी लेडीज़ थी उनके बच्चे मेरी स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे तो एक कंपैरिजन हो ही जाता है अगर मम्मी ना भी करें तो भी एक कंपैरिजन सामने आ ही जाता था कि उनके इतना उनका बच्चा इतना पढ़ रहा है वो है ना शर्मा जी का बेटे के इतने नंबर आए तुम्हारे नहीं आए तब मेरी मम्मी ने मुझे आके बोला था कि तुमको तुम्हारे ऊपर भी मैं उतने ही पैसे खर्च कर रही हूँ तुम भी वही रोटी खा रहे हो और तुम्हारे ऊपर भी उतने ही पैसे खर्च हो रहे हैं फिर भी तुम नंबर नहीं ला पा रहे हो और वो लेकर आ रहे हैं तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए लेकिन मैंने किया मैंने क्या किया कि झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया मैंने बहुत झूठ बोला है मैं सिर्फ उन्हें सैड नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने उन्हें बहुत झूठ बोला मैंने अपने एट क्लास के रिज़ल्ट के अंदर अपने नंबर बढ़ा के और फिर उन्होंने उन्हें बता दिए जो आप प्लीज़ कोई मत करना बहुत गड़बड़ हो जाती है आगे जाके मैंने ऐसा किया और मैंने एट्थ में झूठ बोला फिर मैंने नाइन्थ में भी अपने नंबर्स मैं फेल हो गई थी फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा के बताया तो मम्मी को बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि ठीक है मेरी बच्ची अच्छा कर रही है तो उन्होंने मेरे स्कूल में आके कभी पूछा नहीं कि ठीक है अगर बहुत अच्छा बच्चा कर रहा है तो स्कूल में आके क्यों पूछेंगे और मैंने भी कभी उन्हें मौका नहीं दिया कि मैं स्कूल में उन्हें अगर पेरेंट्स पेरेंट्स को बुला भी रहे हैं तो भी मैंने उन्हें नहीं आने दिया कभी भी और ऐसे करके नाइन्थ निकला और नाइन्थ में मुझे पूछा कि मेरी एक बड़ी बहन है उन्होंने मुझसे पूछा तुझे बड़े होकर क्या बनना है क्योंकि मुझे पता था मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छा नहीं कर रही हूँ तो मुझे पता था कि शायद मैं आर्ट में जाऊंगी और मेरी दीदी ने जब मुझसे पूछा तो मैंने बोला मुझे सिंगर बनना है मैं ना सिंगर बनूंगी तो उन्होंने मुझे इस तरह से देखा कि जैसे मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे चोर बनना है उन्होंने मुझे इस तरह से देखा और मुझे लगा कि शायद मैंने गलती कर दी उन्होंने बोला बहुत स्ट्यूपिट बात कही जो किसी भी बच्चे को नहीं कहनी चाहिए मैं इस जो मुझे ऑडियंस देख रही है आप भी इस बात को सोचना एक बार कि अगर आपको कोई बच्चा मैं सपने के साथ में मैं एक सपना बता रही थी अपना कि मुझे ये बनना है और उन्होंने मुझे उस वक्त जवाब दिया एक बहुत ही स्ट्यूपिट बात उन्होंने मुझे कहा कि लाखों लोग क्रिकेट की ट्रेनिंग करते हैं लेकिन सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक बनता है और लाखों लोग गाते हैं रोज हर एक घर के अंदर कोई गा रहा है तुम जैसे बहुत हैं जो गा रहे हैं तुम में कोई स्पेशल बात नहीं है कि तुम वो एक लता मंगेशकर बनोगी तो उन्होंने मुझे ये बात कह दी और मुझे सिखाया गया है कि जो बड़े कहते हैं वो सही है उन्हें ज़्यादा पता है तो मैंने मान भी ली और लेकिन मैं मेर, मेरा मन वो नहीं मान रहा था क्योंकि मैं गाती थी और मेरा सिलेक्शन हो रहा था तो मैं क्यों क्यों छोड़ दूँ उस चीज़ को तो कुछ दिनों के बाद में मेरी बारी आई और मुझे ऐसा कहा गया कि तुम प्रेयर गाओगी और हमारे स्कूल के अंदर 700 लोग एक साथ ऐसे प्रेयर करते थे तो जब प्रेयर की बारी आई मैं वहाँ पे खड़ी हूँ सामने और सामने खड़ी खड़ी जब मैं प्रेयर गा रही हूँ मैं अटक गई जैसे होता है ना अटेंशन स्टेंडिट इज़ अटेंशन और मैंने उल्टा बोला तो ये सब कुछ मैंने उल्टा बोला और मेरे टीचर्स ने उसी वक्त मुझे बोला कि इतना सा भी नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे जूनियर्स भी कर लेते हैं ये एक दिन टीचर्स ने मेरे बोला कि हम तुमको इस स्कूल में नहीं रख सकते एक्चुअली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की और प्राइवेट स्कूल्स की ये पॉलिसी होती है ये मैं एक सीक्रेट बता रही हूँ यहाँ पे कि उनकी एक पॉलिसी होती है कि जब उनको अपना रिज़ल्ट हंड्रेड परसेंट करना होता है तो वो जो बहुत ही कम पढ़ने वाले मतलब सिक्सटी से कम वाले जो बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं कंपेरेटिवली उनको वो पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं कि उन्होंने मुझे क्लियर आके सामने बोला कि दस दिन के अंदर आपको टी देंगे आपको बस यहाँ से निकलना है इस स्कूल से आपको दूसरी जगह पे आपको सरकारी स्कूल में ले लेनी चाहिए मम्मी इतने टाइम से स्कूल नहीं आई थी और मम्मी को क्या लग रहा है घर के अंदर तो मेरा ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ मैं बहुत ही एकदम स्कॉलर बच्चा हूँ उनका और फिर जब पता चला कि नहीं हूँ मैंने एक दिन मैं दस दिनों के बाद जब रोज़ स्कूल जाती थी और स्कूल से निकाल रहे थे फिर भी मैं स्कूल जा रही थी मैंने दस दिनों के बाद मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी निकाल रहे हैं अब और मैंने जो भी बोला सब कुछ झूठ बोला तो झापट पढ़नी थी पता था मुझे तो पढ़ी और मम्मी ने बोला कि अब क्या करना है मम्मी मेरे साथ टीसी लेने गई और तब मैंने पहली बार ऐसा फील किया कि मम्मी मेरी वजह से बहुत ही ज़्यादा सैड थी वो स्कूल में गई वो प्रिंसिपल सर के सामने खड़ी थी उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ रखे थे और उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची को रहने दो उसका साल बर्बाद हो जाएगा अगर आपने उसको इस टाइम पर निकाल दिया इसको इस टाइम पर कहाँ पर मैं लेके जाऊँगी तो वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी और मैं उस टाइम मेरा दिल टूट रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया तो उनका डिसाइडेड था उन्होंने बोला कि हम लोग आपको एक डील करते हैं कि हम एक फ़ेक रिज़ल्ट बना के देंगे आपका और उन्होंने वो फ़ेक रिज़ल्ट बनाया उन्होंने बोला कि हम इस फेक रिज़ल्ट से आपका कहीं और एडमिशन हो जाएगा तो हम वैसा रिज़ल्ट आपको बना के देंगे हालांकि मैं पूरी की तरह पूरी तरह से एलिन्थ में फ़ेल की थी लेकिन अभी भी मेरे पास में वो रिज़ल्ट पड़ा है जिसके अंदर मेरे 58 परसेंट पड़े हुए हैं तो वो एक बिल्कुल फ़ेक रिज़ल्ट है वो और मेरी मम्मी को वो दिया उन्होंने मैं बाहर गई उन्होंने जब मेरी मम्मी ने ट्राई किया कि फिर भी मुझे प्राइवेट स्कूल के अंदर ही मौका मिले वापस से वो दूसरी दूसरी स्कूल में रोज़ जाती रही किसी ने एडमिशन नहीं दिया क्योंकि सबको इस फेक के बारे में पता था कि ये रिज़ल्ट फेक है ऐसा क्योंकि सबका पॉलिसी होती होगी मुझे नहीं पता है लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया मम्मी ने मुझे बोला कि तूने इतना बड़ा धोखा दिया है जो माँ बाप से दगा करता है वो कहीं का किसी का नहीं होता है जब मैं सरकारी स्कूल के अंदर गई ज़बरदस्ती हुआ उन्होंने बहुत सारे लॉज बताए कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप किसी बच्चे को मना नहीं कर सकते कि आप किसी एडमिशन लेने से बच्चे को मना नहीं कर सकते तो ऐसा ही हुआ उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एडमिशन दिया फिर क्या हुआ कि मुझे पता था मैं फिर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ वो साइंस सब्जेक्ट है मुझसे नहीं होगा नहीं होगा मुझे पता था नहीं होने वाला है मैंने ना चेटिंग करी बहुत बुरी चेटिंग करी मैंने अब एक पेपर के ऊपर सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखे कारतूस बनाना कारतूस बनाया लेके गई सारी चेटिंग करके पेपर में लिख कर आई और मुझे पता था कि इस बार तीस में से सत्ताइस नंबर मेरे आएंगे मुझे पता था आएंगे 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 लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब रिजल्ट देखा ना तो उसके अंदर सिर्फ छः नंबर थे फ़ेल वापस से फेल तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी को बुलाएंगे और मम्मी ने मुझे जब सरकारी स्कूल में मैं जा रही थी पहला दिन था उसी दिन कह दिया था कि अगर नहीं पढ़ी ना शानू मेरा घर का नाम शानू है उन्होंने बोला नहीं पढ़ी ना तो तेरी शादी करवा दूंगी तुझे तो वैसे भी घर का काम भी नहीं आता तुझे तो कहीं का तू तो कुछ भी नहीं है तो तेरी शादी करवा दूंगी तो और ज़्यादा डर लगा उनसे मैंने बहुत बोला कि प्लीज़ प्लीज़ मम्मी को मत बुलाओ प्लीज़ मत बुलाओ माने नहीं कोई भी बुलाया मम्मी को और उस दिन उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना मनी वेस्ट कर रहे हो और मम्मी ने जब गुस्से में ऐसे कह भी दिया कि वो बहुत डिस्टर्ब थी और उन्होंने मुझे कह भी दिया कि तू नहीं होती तो ज़्यादा आसान होता और इस तरह से चीज़ें कभी कभी वो भी एक इंसान है कोई साधु तो है नहीं तो उन्होंने कह दिया मुझे और आ, मैंने उस दिन उसको मान लिया क्योंकि वो बड़े हैं वो ज़्यादा जानते हैं तो मैंने क्या किया कि गेहूँ की जो रखने वाली जो गोलियाँ होती है ना जिससे कीड़े मारे जाते हैं तो मैंने ना उन गोलियों को निगल लिया और मेरे भाई ने वो चीज़ देख ली और वो ज़ोर से चिल्लाया कि अरे इसने कुछ खा लिया कुछ खा लिया और उसके बाद में ऐसा हुआ कि मम्मी ने मुझे फिर उल्टी करवाई और मैं उसमें भी फेल हो गई मतलब मैं मरने में भी फ़ेल हो गई उस वक्त और फिर क्या हुआ कि आगे बढ़ते गए हम इसी तरह से तो जब मैं कॉलेज में आई तब तो मुझे एक ऐसी टीचर मिली जो कि शायद मुझे पहले मिलती ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता तो मुझे मिली विनीता राठौड़ और वो मुझे उन्होंने मुझे बोला कि तुझे मुझे पता है कि तुझ में पोटेंशियल है तू स्टेज पे जाएगी तू मंच करेगी उन्होंने मुझे 27 बार मंच दिया और मैं 27 बार अवार्ड लेकर आई और जब मैंने अपने परिवार में बताया तो उन्हें लगा कि शायद इसमें वो बात है शायद ये कुछ कर सकती है इस चीज़ के अंदर उसके बाद में, में मेरा फर्स्ट एल्बम आया कि जो कि मुझे कॉलेज से ही मिला था एक भैया ने मुझे देखा और उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छा गाती हो मैं तुम्हारे साथ एक एल्बम शूट करूँगा तो मेरा पहला एल्बम आया जो मैंने नौ भाषाओं के अंदर किया है उसके ऊपर 1.5 मिलियन व्यूज़ थे पहले ही दिन एक दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए देखा कि सब अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर एक वीडियो डाल रहे हैं एक्सेंट जैसे मेरा ने, योर नेपाली एक्सेंट इज सो सेक्सी एंड दैट तो इस तरह से वो वीडियोस डाल रहे थे और मैंने देखा कि राजस्थानी में किसी ने भी नहीं डाला हुआ था तो मुझे कोई लगा नहीं था कि मैं मेरे वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ आ जाएंगे तो जैसे ही मैंने डाला एक दिन पहले मैंने कुछ डाला था और उस पर कोई व्यूज़ नहीं थे मैंने दूसरे दिन देखा उस पर वन मिलियन व्यूज़ थे और uh, मैं हिट थी और जब लोग लोगों को लोगों को पता चला कि ये जिग्सा है उनकी बच्ची है और जब मम्मी को फ़ोन आने लगे कि आपकी बेटी ने कमाल कर दिया आपकी बेटी ने कमाल कर दिया अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मेरी मेवाड़ी हम दोनों ही एक जैसे हैं और uh, जो मेवाड़ी भाषा मेवाड़ी जो बोली है जो हमारी राजस्थानी बोली है उसको भी कहीं ना कहीं मेरी ही तरह बहुत पिछड़ापन मिला है उसको भी कहा गया है कि तुम किसी काम की नहीं हो उसको भी बोला नहीं गया है इतने सालों से हम लोग मेवाड़ में रह रहे हैं और मेवाड़ी भाषा को स्टेज पर नहीं बोला गया है आज मुँह अटे हूँ और आज मुँह बोल रही हूँ मेवाड़ी और मेवाड़ी ने मुँह पकड़ी हूँ यदि मुँह अटे जो टॉक रहा स्टेज पर अटे आज ऊबी हूँ तो मुँह बस यो कहना चाहूँ कि वह जो जूनी जिजिशा ही नहीं जो छानी छानी रहती ही और वह जो मे जूनी मेवाड़ी ही जने कोई नहीं बोलते हो वो एक लारे वे गया है और अभी माँ स्टेज पे हाँ तो पाछा आई रिया रहा हाँ आप रे जटे जटे आप धरकारा दीदा है वटे वटे सम्मान लेवाने पाछा आवांगा और आई गया हाँ और मु छाऊ हूँ कि आज मूँ अणी हूँ राजस्थान रहाड़ियों बोल रही हूँ मारी आशा है कि मूँ एक अणी और मोटा स्टेज पे भारत रड़ियों बोलूँ तो आप भी आशीर्वाद बनाए रख जो आप सबने बहुत बहुत घड़ो आभार धन्यवाद कि आप मैंने अटे अणी जोगी हम जी कि आप मैंने हुन रहा हो आपने घड़ों घड़ो धन्यवाद इट इज़ सेट दैट वेन यू एजुकेटेड वुमेन यू एजुकेट इन एंटायर जनरेशन नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिल के स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग एप स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें